हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें एक्सिस बैंक से अपना अकाउंट जो है बंद कराना है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने भी अपना अकाउंट जो है एक्सिस बैंक से बंद कराया। वैसे एक्सिस बैंक से अकाउंट बंद कराना बहुत ही आसान है। आपको केवल एक फॉर्म भरना है और वो फॉर्म भर के आपको आपके नज़दीकी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जमा कराना है। चलिए अब जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और उसके बाद क्या करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सिस बैंक का जो क्लोज़र फॉर्म है वो अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल से क्रोम ऑप्शन पे जाना है। क्रोम ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सर्च बार पे एक्सिस बैंक क्लोज़र फॉर्म लिखना है। तो आपको वहाँ पे नीचे फिर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है एक्सिस बैंक में जो अकाउंट क्लोज़र फॉर्म है सबसे पहला ऑप्शन आपको वही आता है। तो वहाँ पर आपको देखिए ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आपके फाइल में यह डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसका आपके नज़दीकी दुकान से उस फॉर्म का आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हो। चलिए आप जानते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। यह है एक्सिस बैंक अकाउंट क्लोज़र फॉर्म। ठीक है, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, अगर आपको उसको क्लोज़ कराना है, इनकेस बंद कराना है, तो आपको ये सेम फॉर्म भर के जो है आपके नज़दीकी एक्सिस बैंक में जो है जमा कराना होता है। तो मेरा भी एक्सिस बैंक में जो है अकाउंट था, तो मुझे जो बंद करना था तो मैंने यही सेम फॉर्म भर के जो है अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जो है जमा करा के जो है मैंने अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट जो है बंद करवाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह फॉर्म कैसे भरना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है। जब भी आप जमा कराओगे तो वो दिन जो डेट रहता है तो वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा आय और वी। आय पे तभी टिक मार्क करना है जब आपका खुद का इंडिविजुअल अकाउंट हो अकेले का, और यहाँ पे आय पे टिक मार्क करके आपका नाम लिखना है। और वी पे आपको तभी टिक मार्क करना है जब जॉइंट अकाउंट हो। तो वी पे टिक मार्क करके आपको आपका भी नाम लिखना है और जॉइंट अकाउंट में जो और भी नाम होंगे वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अस हैव बीन इनक्लोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टिक मार्क आपको तभी करना है जब आप बैंक के एक्सेसरीज जो है आप बैंक में जमा करवा रहे हो। तो बैंक एक्सेसरीज मतलब डेबिट कार्ड हो गया आपका, चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, जब भी आप एक्सेसरी जमा कराते हो तभी आपको ये यहाँ पे टिक मार्क करना होता है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉइंग बाय मी, तो यहाँ पे टिक मार्क आपको तभी करना है जब आपका बैंक एक्सेसरीज जो है वो खो गया हो, लॉस्ट हो गया हो। तो जैसे जो भी आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक अगर खो गया, अगर आप बैंक में नहीं जमा करा रहे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉइड बाय मी में जो है टिक मार्क करना है। ठीक है, अगर आप चेकबुक मान लीजिए जमा करा देते हो, ठीक है, बैंक में, तो यहाँ पे चेकबुक का नंबर लिखना है स्टार्ट टू एंड में। ठीक है, स्टार्ट में जो भी नंबर है वो और एंड में जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ नीचे भी आपको सेम चीज़ ही करना है। देखिए यहाँ पे भी आय और वी मेंशन किया हुआ है। आय मतलब इंडिविजुअल, वी मतलब जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रॉइंग द एटीएम जो लिखा है, तो जैसे आपका एटीएम कार्ड खो गया है तो आप यहाँ डिस्ट्रॉइंग द एटीएम जो उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, तो आपका जो भी डेबिट कार्ड का नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर एक है तो वो नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, अगर दो एटीएम कार्ड है तो दोनों का नंबर आप लिख सकते हो। तो नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है रीज़न फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रीज़न दिए गए, जो भी आपका रीज़न है वो बाजू में आप जो है टिक मार्क कर सकते हैं वो लाइन पे। ठीक है, तो अभी नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपका आपको देना है, बेहतर होगा कि आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नंबर इसलिए मांगा गया है क्योंकि बैंक आपका बैंक अकाउंट क्लोज करते समय कुछ अगर उनको दिक्कत हुई तो वो आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आपको लैंडलाइन नंबर भी आप दे सकते हो। नीचे देखेंगे तो पे द प्रोसीड बाय, तो अगर आपका जब आप ये अकाउंट क्लोज कराते हो तो अकाउंट क्लोज करते समय तो जो आपका एक्सिस बैंक में जो पैसा जमा है आपका वो किसके थ्रू आपको वापस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट और पोस्ट ऑफिस का जो है ऑप्शन दिया गया, तो आप टिक मार्क करके आप डिमांड ड्राफ्ट या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आपका फैमिली मेंबर जिसका एक्सिस बैंक अकाउंट में उनका अगर अकाउंट है तो वहाँ पे भी जो है पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हो, केवल आपको उनका अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर लिखना है और टिक मार्क करना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ऑप्शन बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में जितने भी नाम है तो वो सारे नाम आपको लाइन से लिखने हैं और उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो एक ही का नाम लिखना और एक ही सिग्नेचर लेना है। ठीक है, बाकी जो है बैंक यूज़ ओनली के लिए, मतलब बैंक के तरफ से यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट जो है आपको भरना है। जैसे आपका नाम लिखना है और अकाउंट नंबर लिखना है और डेट लिखना है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको नीचे जो है
आपका जो एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है नज़दीकी उसका स्टैंप लेने, आपको स्टैंप लेना ज़रूरी है, और जो भी इम्प्लॉय को आप फॉर्म सबमिट कराओगे उस इम्प्लॉय का आपको सिग्नेचर लेना भी ज़रूरी है। तो स्टैंप और सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट आपको फॉर्म सबमिट कराते समय आपको एक्नॉलेजमेंट जो ये वापस लेना है बैंक इम्प्लॉय से, ताकि आप जब दोबारा जाओगे, इनकेस अगर आपका बैंक अकाउंट जो है नहीं बंद होता है, जब आप दोबारा जाओगे एक्सिस बैंक में, तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको दिखाना पड़ता है। तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट जो है बैंक इम्प्लॉय से वापस लेना है स्टैंप और सिग्नेचर लेके। मैंने भी कुछ दिन पहले ही अपना एक्सिस बैंक में अकाउंट बंद कराया है, और ये फॉर्म जमा कराते समय आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स नहीं जमा कराना है। वैसे बैंक वाले कहते हैं कि इस फॉर्म को जमा कराने के बाद 48 वर्किंग आवर्स में बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, पर मेरा अकाउंट बंद होने में लगभग एक हफ्ता लग गया था, और अकाउंट बंद होने का नोटिफिकेशन मैसेज मेरे एक्सिस बैंक में रजिस्टर्ड वाले नंबर पर आ गया था। और ध्यान देना है कि अगर आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस में है तो ही आपका अकाउंट बंद होगा, वरना बंद नहीं होगा। मेरे अकाउंट में 600 रुपया माइनस में था, जो मैंने वही बैंक में भर दिया। अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट माइनस में है तो आपको इसके लिए आपके नज़दीकी एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी। वैसे एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे तो ये भी लिखा है कि अगर आप 14 दिन बाद अकाउंट बंद कराते हो तो आपको 500 रुपया फ़ाइन लगता है, पर अकाउंट बंद कराते समय मुझसे किसी भी प्रकार का फ़ाइन नहीं लिया गया था। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।